भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में 3रा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में 4था अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकूति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मन्वंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी।
16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्तत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता।
वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।